Hello and very good morning to all of my students. Hope inshallah Allah Miyan ke fazl o karam se aap sab bakhair o afiyat honge aur aap sabko khushamadeed hai meri YouTube channel Engineer Faisal Gulzar mein. Aaj jo hamara topic chal raha hai bahut hi important topic hai, semiconductor physics, and you people are enjoying these lectures. Hope so. And today we are going to discuss one of the important topic in semiconductor physics, that is our Zener diode. Zener diode, ठीक है, Zener diode. और हमने PN junction को देखा, हमने बहुत सारे LEDs को देखा, हमने solar cell को देखा, वहाँ PN junction. How and now and one special purpose diode that is known as Zener diode. और आप सबको खुशामदीद है मेरी YouTube channel पर, बने रहिए मेरे beautiful and amazing lectures के लिए. Have a look on Zener diode. चलिए ध्यान से देखिए, ये मेरे पास पीएन जंक्शन है, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन. ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है. इस ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में यहां पर बीच में जंक्शन है, और एक तरफ से अगर ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, और यहां से भी Zener डायोड को भी हम बनाने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल पहले अगर ऑर्डिनरी तौर देखा जाए, ये हमारे पास Zener डायोड, ठीक है. तो पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होते हैं, होल्स. ये मैं होल्स बनाने की कोशिश करता हूं यहां, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और यहां पर जो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स. ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सेम यहां पर भी. अब Zener डायोड को देखिए, इसको भी हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, इसको भी रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं. तो रिवर्स बायस में इसको फॉरवर्ड में, रिवर्स में, दोनों में कनेक्ट कर. लेकिन अगर दोनों को रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक देखनी है, तो इसको हमेशा Zener डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आपको अगर काम में लाना है, तो यू हैव टू कनेक्ट यूअर Zener डायोड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग में. तो रिवर्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि Zener डायोड को हमें हमेशा रिवर्स बायस में, रिवर्स बायसिंग करनी है. और अगर आप रिवर्स बायसिंग इसकी करते हो, तो इट विल बिकम ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है. तो ये इसमें भी हम बिल्कुल, लेकिन इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो Zener डायोड है, Zener डायोड में डोपिंग कंसेंट्रेशन ज्यादा रखते हैं. इसकी डोपिंग कम होती है, लेकिन इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं, तो सो दैट इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर इसकी जो डोपिंग है, हाई हेवली डोप्ड, इसको हमें हेवली डोप्ड रखना है. हेवली डोप्ड मींस कि उसी एरिया में, उसी वॉल्यूम में, अगर ये, तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसको हम कंसंट्रेशन बनाएंगे तो ज्यादा कैसे होगी वो हम देखिए. देखिए डोपिंग कंसंट्रेशन कैसे मैं बनाऊंगा, यहां पर नजदीक नजदीक, क्योंकि इसकी डोपिंग हाई है. पी टाइप में होल्स, इसको हम होल ही बनाएंगे. देखिए, ये मैंने दोनों ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड को भी बनाया और Zener डायोड को भी बनाया. दोनों में फिलहाल फर्क ये है कि Zener डायोड की जो डोपिंग है वो हाई है. तो आप देखिए, हाई डोपिंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, होल्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और इसमें कम है क्योंकि इसकी जो डोपिंग है वो डोपिंग हाई है, ठीक है. डोपिंग क्या है, हाई, राइट. अब ध्यान से देखिए, तो क्या होता है पीएन जंक्शन में, अगर पहले ही देखा जाए, तो मैंने बोला है कि पीएन जंक्शन में जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर होल में चला जाता है, ऐसे करके
ये यहां से उठ के किधर चला जाएगा, होल में चला जाएगा इधर ऐसे, राइट। और ये उठ के यहां पर क्या हो जाएगा, ये होल में चला जाएगा, और ये यहां पर उठ के कहां चला जाएगा, होल में चला जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर डिप्लीटेड ऑफ हो गए चार्ज कैरियर्स और इसमें एटम्स रहते हैं, और ये देखिए इसमें चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए और यहां पर एक डिप्लीशन रीजन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, डिप्लीशन रीजन यहां तैयार हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब चूंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, डोपिंग हाई है, अब ध्यान से देखिए सेम चीज यहां पर भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के होल में चला जाएगा, ये उठ के होल में चला जाएगा, ये उठ के होल में चला जाएगा, ये होल में, और यहां भी सेम प्रोसेस होगा, और यहां पर भी एक डिप्लीशन रीजन तैयार हो जाएगा, और उस डिप्लीशन रीजन को हम ऐसे दिखाएंगे, ये डिप्लीशन रीजन। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या फर्क है, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन और जब और जो इसमें हमने डोपिंग हाई की थी, यहां पर देखिए यहां पर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज मोर, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज मोर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डायोड, विड्थ इज मोर, विड्थ इज मोर या मोर विड्थ, और यहां पर विड्थ इज लेस, विड्थ इज लेस। ये फिलहाल हमने चर्चा की, खाली अभी तो कुछ नहीं किया, अभी यहां विड्थ क्या है, कम विड्थ है, और यहां पर डिप्लीशन रीजन बड़ा है, और यहां पर डिप्लीशन रीजन छोटा है, और डिप्लीशन रीजन में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़ीनर डायोड का केस है और ये ऑर्डिनरी डायोड का केस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को जो है, अब हम इनको रिवर्स बायस, दोनों को हम नॉर्मल डायोड और इसको हम रिवर्स बायस में जोड़ेंगे। चलिए अगर हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो पी के साथ हमें माइनस, पी के साथ एन को कनेक्ट करना है, नेगेटिव को कनेक्ट करना है, और यहां से इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, राइट। और इसी तरह यहां पर भी प्रोसेस हो गया, इसके साथ हम माइनस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहां से हैवली बैटरी बड़ी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल समझने के लिए इतना काफी, ठीक है। तो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग है, और रिवर्स बायसिंग जब हम करते हैं यहां से पॉजिटिव, और आपको पता है यहां से पॉजिटिव है तो ये इसमें चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिवर्स बायस में यहां कौन से हैं, जो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर है, अगर ये होल है तो यहां माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और यहां जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे, यहां माइनॉरिटी कैरियर होल होंगे, ठीक है, यहां माइनॉरिटी कैरियर होल होंगे। लेकिन आपको पता है जब हम ऑर्डिनरी डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो डिप्लीशन रीजन और इंक्रीज हो जाती है, यानी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन और इट बिकम्स मोर एंड मोर इंसुलेटर, जितना हम यहां से बैटरी से सप्लाई देंगे, वोल्टेज देंगे, मोर एंड मोर इंसुलेटर बनेगा। इसका मतलब है ये जो विड्थ है, ये विड्थ और ज्यादा बढ़ेगी, ये विड्थ और ज्यादा बढ़ेगी, और ये विड्थ मान लो यहां से यहां लेके आएगी, और आपको पता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है वो पी टू एन, एन टू पी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है। अब ध्यान से देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव। अब यहां पर क्या होगा, इसको भी रिवर्स बायस में जोड़ दिया, और रिवर्स बायस में जोड़ने का मतलब क्या है कि इसकी भी विड्थ बढ़ेगी, तो इसका मतलब यहां पर भी प्रोसेस सेम होगा, यहां पर भी विड्थ बढ़ेगी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीज। ये पहले से ही विड्थ इससे कम थी तो थोड़ा सा इंक्रीज इसमें भी आ जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है हमारा, यहां पर डिप्लीशन रीजन यहां पर डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया और यहां पर भी बड़ा हो गया, डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। यहां पर भी जो पॉजिटिव यहां से आ जाएंगे, यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या रहेगा, सेम, तो दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। अब ध्यान से देखिए अभी तक मैंने क्या बोला उसको मैं आपको रिवाइज करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, एक ऑर्डिनरी डायोड लिया और साथ में एक पीएन जंक्शन डायोड लिया। ऑर्डिनरी और पीएन जंक्शन में यहां
फर्क खाली इतना है कि यहां पर लाइट डोपिंग और ये हमने हेवली डोप्ड बनाया, और हेवली डोप्ड बनाने से इट विल गिव अस अ डिजायर्ड रिजल्ट विच आई वांट इट विल बिकम अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसकी वजह से हेवली डोपिंग की और ये इसको भी रिवर्स बायस में जोड़ा, इसको भी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जोड़ने पर जो यहां पर डिप्लीशन रीजन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेवी डोपिंग इसमें जो विड्थ है उतनी विड्थ नहीं बढ़ती है, उतना ये जो डिप्लीशन रीजन नहीं बनता जितना इसमें बनता है। इसमें डिप्लीशन रीजन ज्यादा बनता है और इसमें डिप्लीशन रीजन कम बनता है। और एक बात, जब डिप्लीशन, जब हम इन दोनों को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो रिवर्स बायस में जोड़ने से डिप्लीशन रीजन और बढ़ती है, हाँ बढ़ती है, विड्थ इंक्रीज हो जाती है, दोनों में विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। अब आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम रहा, इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस मोर है, यहां पर डिस्टेंस लेस है, यहां पर डिस्टेंस लेस है और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। और आपको पता है कि डिस्टेंस लेस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर जो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी। वो कैसे ज्यादा होगी? फॉर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर डिस्टेंस फॉर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास वी है वो बराबर होता है ई डी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हमारे पास फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला है फॉर कॉन्स्टेंट वोल्टेज, किसके लिए? फॉर कॉन्स्टेंट जो हमारे पास फॉर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ठीक है, तो अगर यहां पर क्या है कि यहां पर अगर डिस्टेंस को देखा जाए, अब मुझे बताइए, अगर डिस्टेंस लेस है तो इसका मतलब, अगर डिस्टेंस लेस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा। अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसमें होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच लार्जर देन इनसाइड द जीनर डायोड एज कंप्यूटर नॉर्मल डायोड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस, और यहां पर चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। कॉन्स्टेंट वोल्टेज के लिए अगर देखा जाए तो ई जो है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और यहां पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर माइनस इसमें एंटर होते हैं। तो यहां पर जब आप वी बढ़ाओगे, पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट मोर काइनेटिक एनर्जी। जितना जितना आप बढ़ाओगे तो ये मोर काइनेटिक एनर्जी के साथ इधर दौड़ेगा, मोर काइनेटिक एनर्जी के साथ इधर दौड़ेगा, क्लियर? और अब चूंकि ये पॉजिटिव होल है तो मोर काइनेटिक एनर्जी के साथ दौड़ेगा ये ऐसे। जितना जितना आप इसमें यहां से वोल्टेज बढ़ाओगे तो मोर का मोर दैट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो अगर यहां बात हो रही है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल मूव विथ मोर काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहां से, और यहां से होल, यहां से एन टाइप है, एन टाइप में होल, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो ऐसे भागेगा। अब जब ये मोर काइनेटिक एनर्जी के साथ यहां दौड़ेगा तो यहां डिप्लीशन रीजन है, और डिप्लीशन रीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं एटम के साथ जो बॉन्डिंग करते हैं, ये जाके इसके साथ टकराएगा,
टकराने का मतलब है ये इसको नॉक करेगा, नॉक करने के बाद ये इसको बाहर निकालेगा। अब एक तो ये बाहर आ गया और दूसरा जिसने इसको बाहर निकाला ये दो बन गए। अब इतनी विड्थ इतनी ज्यादा है, इसमें एटम्स इतने ज्यादा हैं, तो ये दो जाके किसी और एटम से टकराएंगे और वहां से और निकालेंगे। इसका मतलब एक ने दो बनाए, दो ने चार बनाए, चार ने आठ बनाए, और जब ये टकराने का काम करेंगे इसका मतलब कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, टकराना कोलिजन हो रहा है। और जब कोलिजन हो जाएंगे ये नॉक करेंगे इलेक्ट्रॉन विथ मोर काइनेटिक एनर्जी, हिट करेंगे किसी सिलिकॉन या सिलिकॉन के एटम को और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और वहां प्रोड्यूस हो जाएगी हीट। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? हीट। और इस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जितना, क्योंकि अब डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा है तो इसमें एटम्स बहुत ज्यादा होंगे और बहुत सारे आपस में कोल्यूजन होगा क्योंकि विड्थ इतना है, तो ये ऐसे करके टकराएगा और हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये डिस्ट्रॉय होगा। और अगर हम ये हीट प्रोड्यूस होने से ये पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय होगा। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब देखिए, अब हमने इसके रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाने हैं। ये ऐसे मान लो ये हमारे पास वोल्टेज है, सॉरी ये हमारे पास वोल्टेज है और ये हमारे पास रिवर्स करंट है। तो माइनॉरिटी की वजह से कुछ करंट पहले ऐसे चली, ऐसे चली, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी नाक के बराबर करंट, और यहां से पहुंचने के बाद एब्रप्ट एवलांच आ गया, यानी इतने एटम टूटे, इतने एटम टूटे बहुत सारे, और एक एवलांच हो गया, और इसको एवलांच ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। और जब ये एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, यहां पर एटम टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहां प्रोड्यूस हो जाती है ऐसे। और जब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है और जहां पर ये ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और उस टाइम पर यहां हीट प्रोड्यूस हो जाती है बहुत ज्यादा, और जब हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो ये वाला जो है हमारा ऑर्डिनरी डायोड यहां फेल हो जाता है, ये काम करना छोड़ देता है। ठीक है, अब इसी को यहां पर देखते हैं। यहां पर देखने से पता चलता है कि यहां पर इसकी विड्थ बहुत ज्यादा थी। सेम तो प्रोसीजर यहां पर है, यहां पर भी माइनॉरिटी कैरियर की बात करेंगे। जब माइनॉरिटी कैरियर यहां से हमने नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया, जब माइनॉरिटी कैरियर यहां से मूव करेंगे विथ सम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसकी जो विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, दैट इज थिन, दैट इज वेरी थिन, और यहां पर डिप्लीशन रीजन इतना छोटा होता है कि यहां पर टकराने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और ये आराम से इसको पास करके यहां से पास हो जाते हैं। ठीक है, और यहां कोलिजन नहीं होता, कोलिजन नहीं होता। सर अगर कोलिजन नहीं होता है, अगर एटम टूटेंगे नहीं, तो इसमें तो ये एवलांच ब्रेकडाउन कैसे हो जाएगा? हमें तो रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम करंट की। हाउ कैन वी प्रोड्यूस द मैक्सिमम करंट व्हेन देयर इज नो कोल्यूजन? जब कोल्यूजन, यहां कोल्यूजन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहां तो कोल्यूजन होता ही नहीं है, और कोल्यूजन होता ही नहीं है तो एब्रप्ट बहुत ज्यादा करंट कैसे चलेगी, ये सवाल है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां पर ये जाते हैं, लेकिन यहां और एक प्रॉब्लम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अब यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन एटम्स को हिट कर, इस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड आया एटम से और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालता है, यानी यहां पर कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इस वाले सिस्टम में, हमारे इस प्यारे से ज़ीनर डायोड में, कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ ज़ीनर डायोड। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ ज़ीनर डायोड, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो यह भी बिल्कुल पहले छोटी सी करंट, और उसको बोलते हैं, यहां पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहर, इलेक्ट्रॉन होल, और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चलने लगती है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, उस वोल्टेज को बोलते हैं वी जेड, और वी जेड को बोलते हैं ज़ीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? ज़ीनर वोल्टेज। वी जेड को क्या बोलते हैं हम? ज़ीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? ज़ीनर वोल्टेज। तो ये हमारे पास ज़ीनर वोल्टेज होगी, और इस ज़ीनर वोल्टेज पर, और इसी पर इसका नाम ज़ीनर वोल्टेज,
एक साइंटिस्ट था जीनर, और उसके नाम पर ही इसको जीनर डायोड नाम रखा गया है। इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज, और जीनर वोल्टेज पर इसको ब्रेकडाउन मिलता है, एवलांच आ जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन आप देखिए, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते भी हो, करंट बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन यहां वीजेड जीनर वोल्टेज जो है वो नहीं बढ़ती। यानी सारे का सारा जो वोल्टेज है वो करंट को प्रोड्यूस होने में लगता है। यानी आप जितना मर्जी आप यहां से करंट अब चलाओ, लेकिन आपका वोल्टेज नहीं बढ़ना चाहिए, आपका वोल्टेज नहीं बढ़ता। यहां से करंट तो बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन वोल्टेज हमारा नहीं बढ़ता। क्या नहीं बढ़ता? वोल्टेज नहीं बढ़ता, लेकिन करंट मैक्सिमम फ्लो होती है और वोल्टेज नहीं बढ़ता। यही तो ब्यूटी है इस जीनर डायोड की। यानी करंट जितना मर्जी चलाओ, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ता। और वोल्टेज नहीं बढ़ता यानी ये रेगुलेट करता है एक जगह पर वोल्टेज को। यानी करंट बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन वोल्टेज ज्यादा नहीं होती है, वोल्टेज नहीं बढ़ती, वोल्टेज नहीं बढ़ती। इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेट करता है, इसीलिए इसका नाम है रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज। और जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। और वोल्टेज ऑर्डिनरी डायोड, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी डायोड में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी डायोड में यहां पर ब्रेक डाउन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, डायोड खत्म हुआ, उसमें भी ज्यादा करंट फ्लो हो गई और ये खत्म हो गया। लेकिन यहां भी इलेक्ट्रिक, वहां पर कोल्यूजन की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते निकलते हैं, लेकिन यहां पर किसकी वजह से निकलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और कोल्यूजन नहीं होता, हीट प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एक एवलांच आ जाता है, लेकिन वोल्टेज वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, वोल्टेज क्या रहती है? वही रहती है। और यहां पर करंट बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर का काम कराते हैं। ठीक है, और जीनर डायोड का ये कंसेप्ट है। अब हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, वो वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। मेरे साथ बने रहिए, मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।